मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। ये जो आपने वीडियो देखा ये तमाम सोशल मीडिया पे चमके वायरल हो रहा है, साथ ही जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो भी इस वीडियो को चला रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जो वीडियो है इसमें आपने देखा होगा एक शख्स है बाइक पे सवार और एक युवक उसकी जेब से कुछ निकालने का प्रयास कर रहा है। इसी बीच पुलिस कर्मी की एंट्री होती है और उसको वारदात करते हुए थर दबोचा जाता है। दरअसल ये जो घटना है ये दिल्ली के सदर बाजार थाना क्षेत्र की घटना है, जहां पे एक व्यक्ति के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था और पेट्रोलिंग के दौरान जो पुलिसकर्मी है उसने अपराध कर रहे व्यक्ति को धर दबोचा। काफ़ी सराहने की बात है कि किस तरह एग्रेसिव और एक्टिव पुलिसकर्मी था जिसने इस अपराध को जो अंजाम दे रहा था शख्स उसको धर दबोचा। इस पुलिसकर्मी का नाम है सचिन। दिल्ली के चप्पे चप्पे पे अपराध जो भी होता है क्या तमाम जगहों पे सचिन मौजूद होगा या कोई सचिन जैसा मौजूद होगा, ये अगर सवाल किया जाए तो अपने आप में सवाल ही बन के रह जाता है, क्योंकि तमाम घटनाएं जो हैं वो सामने आती हैं लेकिन सचिन जैसे लोग, सचिन जैसे पुलिसकर्मी बहुत कम और जो टाइमिंग होती है वो मैच नहीं करती है। बात कर ली जाए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की, शाहदरा डिस्ट्रिक्ट की ईस्ट या पूरा जमुना पार की अगर बात कर ली जाए, निरंतर अपराध हो रहे हैं। आजकल बीते कुछ दिनों में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जो है वो सक्रिय तौर पे वारदात वहाँ हो रहे हैं, लोगों को चाकू से गोदा जा रहा है, गोली मारी जा रही है, इस तरह की घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। स्टडीज ये कहती हैं कि अपराध के पीछे की जो वजह है अधिकतर नशा देखा गया है। दिल्ली के अंदर जो भी युवा हैं वो क्राइम में इन्वॉल्व हैं और वो नशे के आदि हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या वो अपराधी जो अपराध कर रहे हैं? क्या पुलिस जो उनको रोकने में मशक्कत करती है लेकिन पूरी तरह नियंत्रण नहीं पा पा रही है? या फिर वो नेता या फिर क्षेत्रीय दबंग लोग, कौन है इसका जिम्मेदार? ये सवाल बार बार खड़ा होता है क्योंकि जो भी अपराध देखने को मिल रहा है 80% से ज़्यादा अपराध के अंदर लोग हैबिचुअल हैं, ऑफेंडर्स हैं, नशेबाज हैं और क्राइम को बार बार अंजाम देने वाले लोग हैं। आखिर ये अपराध जो हो रहा है इस पे अंकुश कैसे लगेगा? जो इस तरह के अपराधों को लोग अंजाम दे रहे हैं आखिर उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है, ये अपने आप में सवाल है। जो नशे को बना रहे हैं या जो नशे को आने दे रहे हैं, जो स्मगलिंग होती है, नशे की तस्करी होती है, आखिर जिम्मेदारी कौन अपनी लेगा और कौन तय करेगा कि कैसे अंकुश लगाया जाए, कि नशा रोका जाए जिसके चलते अपराधों पे भी अंकुश लगे या फिर अपराध हो रहे जो संख्या है उसमें कमी है। आप क्या सोचते हैं अपराध के पीछे अधिकतर जो कारण निकल के आए हैं उसके बारे में आप अपनी राय कमेंट द्वारा हमसे साझा कर सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।